तो इस वक्त मैं टोयोटा के उस जगह पर हूँ या फिर कैसे उस सेगमेंट पे आज पहुंचा हूँ जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट है लोगों के बीच में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसयूवी की, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। और मेरे पीछे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये तो फ्लैगशिप कह सकते हैं व्हीकल्स हैं टोयोटा की। जी हाँ, फॉर्चूनर जो आप देख रहे हैं लेजेंडर, और साथ में जो आपका फॉर्चूनर है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी नजर आता है। देखिए, फॉर्चूनर का जो नया वर्जन है ये आप ऑलरेडी मार्केट में देख रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो आप जानते हैं क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन में आपको मिलता है। और जो लेजेंडर है, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। उसकी भी खासियत आप जानते हैं क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर कॉस्मेटिक डिफरेंस नजर आता है। फ्रंट ग्रिल में आप देखिए कि फ्रंट ग्रिल आपको दोनों ही अलग नजर आएगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा कैटामरन स्टाइल में आपको कट्स नजर आते हैं, और यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले यहाँ पर किया गया जो वाटरफॉल आप कह सकते हैं कि उससे एक डिजाइन को उठाया गया है, और साथ ही डुअल टोन में आपको ये मिलता है। और साथ ही इसके अगर आप देखते हैं अलॉयज देखते हैं, ये डिफरेंट है फॉर्चुनर से अगर आप कंपेयर करेंगे। अंदर की हम बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको एक है कि देखिए डुअल टोन आपको नजर आती है चीजें, यहाँ पर डुअल टोन आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो इंटीरियर्स है ऑलमोस्ट सेम है जो आप फॉर्चुनर में देखते हैं। लेजेंडर में आपको ये जो आपको डुअल टोन मिलता है, लेदर जहाँ सीट्स मिलती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वायरलेस चार्जर का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप डिफरेंस अगर देखने जाते हैं तो बहुत ही नॉमिनल डिफरेंसेस है जो आपको फॉर्चुनर को अलग करता है लेजेंडर के साथ। और अगर कीमत की हम बात करते हैं तो फॉर्चुनर आपको करीब 32 से 33 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको हाँ करीब 10 लाख और ज्यादा देने पड़ते हैं, करीब 42 लाख इसकी कीमत है एक शोरूम। लेकिन वो एसयूवी जरा पास आइए आपको दिखाते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करता रहा है टोयोटा के ब्रांड के हिसाब से अगर बात की जाए तो है लैंड क्रूजर। जी हाँ, लैंड क्रूजर एक ऐसा ब्रांड है पूरी दुनिया में बहुत ही पसंद किया जाता है, और इस वक्त जो आप इस मॉडल देख रहे हैं ये वो मॉडल है जो अब मार्केट में आने जा रहा है। अभी तक ये मार्केट में नहीं आया है, इसी महीने से आप इस मॉडल को यानी लैंड क्रूजर के इस नए मॉडल को आप देख पाएंगे। और जरा लुक देखिए, लुक में काफी चेंज हुआ है। जो फ्रंट आप देख रहे हैं, फ्रंट अगर आपको याद हो तो आपको जो ग्रिल्स यहाँ पर मिलते थे वो इस तरह से स्ट्राइप्स इस तरह से नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रिल कितना बड़ा है, बड़ा ग्रिल है, और साथ में जो लाइंस दी गई क्रोम लाइन है, उसके बाद सिल्वर लाइन है, उसके बाद ये ब्लैक लाइंस दिए गए हैं, और नीचे फिर से एक क्रोम लाइन दिया गया है। और साथ ही साथ इसके साथ जो आप देख रहे हैं जो स्लीक ये आप देख रहे हैं कि एलईडी हेडलैम्प जो दिया गया है, डीआरएल डेलाइट्स भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स है, ये भी जो पूरा जो फ्रंट ग्रिल है ये आपको एक मैस्कुलिन लुक देता है, यू नो मैस्कुलिन लुक जिसके लिए मतलब लैंड क्रूजर जाना जाता है। तो फ्रंट ग्रिल आपको अट्रैक्ट करेगा और आपको कहीं ना कहीं एक कहना डोमिनेशन, जब आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो डोमिनेशन जो होता है वो एक आपको फील जरूर देगा। और साथ ही देखिए कि इसके अंदर आपको जो लाइंस है यानी कि जो आप साइड अगर देखते हैं तो इसमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। जो आप पुराना आप देखते हैं आपको याद तो मतलब अगर आपको कंपेयर करते हैं जो उसका पुराना मॉडल है उससे काफी हद तक मिलता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर अलग नजर आएंगी क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कट्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको बल्ज मिलता है, फिर यहाँ पर आप एक बेडिंग्स देख रहे हैं ये अलग है, और साथ ही साथ आप देखिए टायर्स भी आप देख रहे हैं इसमें भी आपको जो ये रिम है, बहुत सारी चीजें आपको बहुत ही नई नजर आएंगे जो आपको पुराने लैंड क्रूजर में नहीं दिखा है। तो बाहर से जो आप देख रहे हैं एक अलग लुक नजर आ रहा है यहाँ पर लैंड क्रूजर का। अब पीछे का आपको लुक हम दिखाते हैं, पीछे आपको ये लुक देख के लैंड क्रूजर कब देखेगी, क्लासिक है, सिंपल है, लेकिन कहते हैं ना क्लास आपको देता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है, एक्सपीरियंस है, वही है जो लगातार कस्टमर्स को इस कार की ओर लेकर आता है। अब जब हम अंदर जाते हैं, अंदर आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या बदला है लैंड क्रूजर में। तो अंदर जैसे आप बैठते हैं, देखिए जब गाड़ी चलाते हैं तो किसी भी ड्राइवर के लिए जो ड्राइव करता है उसके लिए ना एक कंफर्ट होता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कंट्रोल मिलता है। तो जब आप लैंड क्रूजर पर बैठते हैं तो आपको वो फील मिलता है कि यस, आप जो कंट्रोल है आपके हाथ में, और यहाँ पर फील है देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके यहाँ पर सारे फीचर्स दे रखे हैं, यहाँ पर से आप बाहर जो मिरर है साइड मिरर उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सारे पावर विंडोज के लिए यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर सीट के लिए भी अलग अलग पोजिशन के लिए भी यहाँ पर देखिए बहुत ईजी होता है क्योंकि आप ऐसे नीचे जाते हैं आप चीज़ों को ठीक करते हो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 1, 2, 3 सीट्स को लेके, और साथ ही यहाँ पर जो बाकी कंट्रोल्स आप देख रहे हैं गियर कंट्रोल लीवर आपके पास है यहाँ पर, और यहाँ पर आप H4 L4 यानी कि ये जो अलग अलग मोड्स है इसको आप चेंज कर सकते हैं। और साथ ही देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ी के जो टेक्निकली अगर आपको जो फ्रंट व्हील है या फिर आपके जो
ऑल व्हील ड्राइव, जो कुछ भी अगर आपको इसमें चेंजेस करने उसके हिसाब से आप बटन दे रखे। ये आपका पूरा देखिए बड़ा काफ़ी यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट दिया गया, इन्फॉर्मेशन इंफोटेनमेंट आपका ये पैनल है, इसमें आप GPS वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर AC वेंट्स है सारी चीज़ें। और कुल मिला ये देखिए यहाँ पर आपको, और सबसे बड़ी बात है कि एयरबैग से करीब 10 एयरबैग इसमें हैं ऑलरेडी, तो सेफ्टी के हिसाब से हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पर जो लेदर रखेंगे तो प्रीमियम लेदर आपको यहाँ फील आता है, प्रीमियम लेदर फील आएगा यहाँ पर। और बकेट सीट्स हैं, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो सीट्स हैं, अगर जैसे सर्दी का अगर मौसम है दिल्ली में आप जानते हैं इतनी ठंड पड़ रही है, तो आपकी जो सीट्स हैं ये गर्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये भी खूबी है कि आपको गर्माहट देंगे। तो आपको अगर सर्दी ज़्यादा लग रही है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बैक में आराम चाहिए, तो आपकी जो सीट्स हैं आपको वो हीट भी देता रहेगा। कूल बॉक्स है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है, देखिए इतना हाथ पूरा मेरा अंदर गया है। कूल बॉक्स रखा गया है यहाँ पर, आप कप्स रखने के लिए आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी यहाँ पर है जो आपको चाहिए होता है आमतौर पर। और जो सबसे अच्छी बात है, जो आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए जो एक तरह से ना आपका आई लेवल पे जो दिखनी चाहिए चीज़ें वो आपको दिखता है, सारा बोनेट दिखता है, और साथ ही जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना डिस्टेंस है रोड में, अगर सामने कोई गाड़ी आ रही है। और हाँ, यहाँ पर आपको ये सनरूफ भी दिया गया है, पैनोरामिक व्यू तो नहीं है लेकिन सनरूफ यहाँ पर मिला हुआ, यहाँ पर भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो पीछे चलते हैं, पीछे चलकर आपको दिखाते हैं बैक सीट पे क्या खूब है। तो बैक सीट में जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर पैर रखिए और आराम से आप आखिर बैठिए। लेग रूम के बारे में सोचना नहीं है आपको, हेड रूम के बारे में सोचना नहीं है, कंफर्टेबल है बहुत। अगर आप इसको आप नीचे यहाँ कर लेते हैं तो आपके पास ये हैंड रेस्ट के लिए भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, और अगर हैंड रेस्ट आप हटा देते हैं तो यहाँ पर आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, अगर बच्चे हो तो मुझे लगता है कि 4 लोग भी आराम से आ जाएंगे। ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कंट्रोल, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 4 AC कंट्रोल जोन दे के रखा हुआ, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल जोन है 4। तो आगे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करें, यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर AC वेंट्स हैं, इसके अलावा आपको सीट को आप जिस तरह से भी आपको रखना है पोजिशन उसके लिए भी यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर स्पीकर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और AC वेंट है, यानी कि ज़्यादा अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 10 यहाँ पर AC एयरबैग्स हैं, और यहाँ पर दोनों सीटों के साथ पीछे, यानी कि यहाँ पर पैसेंजर के लिए जो पीछे बैठ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आराम से अपने इस सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। आपको पीछे अब जरा दिखाते हैं, आइए तो उस बटन को पुश कीजिए तो आपका ये खुल जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो स्पेस आप देख रहे हैं ये भी हट जाता है, इसको हट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि जो स्पेस है करीब 500-600 लीटर से ज़्यादा ही होगा, जितना स्पेस आपको बूट स्पेस यहाँ पीछे मिलेगा, क्योंकि SUV है तो आप यहाँ तक भी कुछ सामान रखना चाहते रख सकते हैं। तो पुश बटन और ये फिर से बंद हो जाता है, लेकिन इधर आइए। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक जो ज़बरदस्त खूबी है जो इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये है कि जो आप ये टायर देख रहे हैं, ये टायर्स के साथ यहाँ पर नीचे अंदर कैमरास लगाए गए हैं, यानी कि जब ये गाड़ी सोचिए कि पहाड़ी इलाकों में जाते वक्त नीचे क्या है, नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स आ सकते हैं या फिर नीचे का ट्रेन कैसा है वो आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके नीचे कैमरास लगे हुए हैं जिसके जरिए जो ड्राइवर है ड्राइव करता है। इधर आइए, तो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, आपको यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा गाड़ी के नीचे का, तो ड्राइवर वो देख सकता है कि नीचे आखिर क्या है, और उस हिसाब से अपने इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर एक खास ऑप्शन दिया गया है, और इसकी कीमत भी आप समझ लीजिए कि इसकी जो कीमत है एक शोरूम प्राइस करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है, ऑन रोड अलग अलग इलाकों में उस हिसाब से ही होगी, लेकिन लैंड क्रूजर जिसके लिए जाना जाता है, कम्फर्ट, ड्राइव, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, हर चीज़ में जो नया मॉडल आ रहा है उसको कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करेगा, खास तौर पे जो नया मॉडल आया उसके जो कॉस्मेटिक चेंजेस या फिर जो एक्सटीरियर को बदला गया है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। कोरोला क्रॉस नाम काफी जाना है आपके लिए, तो कोरोला क्रॉस आखिर क्या गाड़ी है, जिसके इसके ऊपर लिखा हुआ है H2O, इसका मतलब पानी नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन बेस्ड कार है। जी हाँ, ये जो गाड़ी है ये पूरी तरह से हाइड्रोजन गैस पर काम करेगी। जरा करीब आइए, हम आपको बताते हैं, क्योंकि गाड़ी देखने में तो आपको बिल्कुल वैसी लगेगी जो आमतौर पे आपको कन्वेंशनल गाड़ियां लगती हैं, जो पेट्रोल पे चलती हैं या डीजल पर चलती हैं। तो इसमें देखिए गाड़ी, ये फिलहाल जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये कोरोला क्रॉस, यानी कि ये थोड़ा क्रॉसओवर गाड़ी है,
जिसमें आपके 5 to 5 doors हैं, 2 लोग आगे बैठ सकते हैं, 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं, और पीछे यहाँ पर बूट स्पेस है, यहाँ पर 5 लोग भी बैठ सकते हो, यानी कि 5 सीटर ये कार है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसके अंदर जो आपको चीजें नजर आएंगी वो नॉर्मल किसी भी गाड़ी में जो दिखती है वैसी सारी चीजें नजर आएंगी। देखिए यहाँ पर आपको स्टेयरिंग व्हील नजर आएंगी, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक कार है, और साथ ही जो असली आप कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो इस बोनेट के नीचे यानी इंजन के नीचे है। पता नहीं शायद अगर हम कोशिश करें कि आप इंजन दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है इंजन दिखा नहीं सकते, लेकिन इंजन में क्या है आपको बता दें, इस गाड़ी के अंदर इधर आइए, इन्फॉर्मेशन में जो दिया हुआ है, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये कॉम्प्रेस गैसेस हाइड्रोजन पर चलती है। मतलब ये है कि जैसे कि आप सीएनजी चलाते हैं उसमें गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से इस गाड़ी में सीएनजी की जगह पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि जब आप H2O यानी कि पानी को ऑक्सीजन से अलग करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो सोचिए कि अगर हाइड्रोजन के ऊपर ये गाड़ी दौड़ेगी और ये कामयाब होती है तो ये आने वाले वक्त में जो हमारा खर्चा होता है ना फ्यूल को लेके, पैसा खर्च करना पड़ता है उस पर कितना आप समझ सकते हैं कि किफायती पड़ने वाला है, और जो रनिंग कॉस्ट होगी इस गाड़ी की कितनी कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये गाड़ी टेस्टिंग यानी कि एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर है, कि इसको जो इंजन कैपेसिटी है 1.61 टर्बो इनलाइन 3 सिलेंडर, तो ये फ्यूचर है, और फ्यूचर ये बताता है कि अगर ये कामयाब होता है तो फिर आने वाले वक्त में आपको डीजल पे, आपको पेट्रोल पे, या फिर आपको सीएनजी, किसी पर भी आपको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, आप हाइड्रोजन से गाड़ी चला सकते हैं। तो ये है फ्यूचर जो हमने आपको टोयोटा के पवेलियन में दिखाया है। हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक कार्स की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आने वाले वक्त में आपको मुझे लगता है कि घर घर में नजर आने वाली है, वो है इलेक्ट्रिक कार। क्योंकि इस वक्त भी आप कई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हैं, लेकिन हर एक कंपनी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, तो उसमें टोयोटा भी पीछे नहीं है। अब टोयोटा की ये जो गाड़ी है ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसका नाम है BZ4X। BZ4X का मतलब क्या होता है, बी फॉर बियॉन्ड और जेड मतलब जीरो, बियॉन्ड जीरो मतलब जीरो एमिशन की जो हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल की बात कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड जीरो का मतलब है कि ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली कार है और ये इलेक्ट्रिक पर चलती है। अब इस गाड़ी को अगर देखिए, जिसका जो मॉडल है, क्योंकि ये SUV मॉडल रखा गया है ताकि लोगों को पसंद आए, और क्योंकि आप जानते हैं कि टोयोटा जानी जाती है मोर ऑफ फॉर लाइक ऑफ रोड कार्स, SUVs, उसके बाद पिकअप्स, तो वैसे में BZ4X को खास तौर पे जो उसका मॉडल जो तैयार किया गया है वो रखा गया है, इसीलिए इसको जो लुक दिया गया है ताकि अपील करे जो यंगस्टर्स हैं, और खासतौर पर टोयोटा के जो क्लाइंट्स हैं जो पसंद करते हैं SUVs, उन्हीं के लिए आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी तैयार की गई है। अब देखिए यहाँ पर एक मोटा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक बल्ज दिया गया है, ये इसको जो मस्कुलिन बनाता है, और जो कट्स आप देख रहे हैं, कट्स जिस गाड़ी के हैं, देखिए यहाँ पर जो कट्स हैं, ये कट्स एक लुक देता है, स्लीक लुक देता है। इधर आइए, व्हील्स की अगर बात करते हैं, ब्रिजस्टोन आप देख रहे हैं इसमें इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही ये 20 इंच का एक टायर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे यहाँ पर स्पेस नजर आता है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख रहे हैं कि लगभग अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन अगर आपका मन करता है कि थोड़ा सा आप ऑफ रोड जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे। और जरा पीछे अपने साइड देख ले, यहाँ पर भी आप देखिए जो लाइन है, जो कट्स है, एक लाइन इधर है, एक लाइन, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं वो इसमें साफ नजर आ रही है। लेकिन साथ में इसमें जो एक ट्रेडिशनली SUV के जो फील है वो रखा गया है, और एक मैस्कुलिन जो नजर आती है चीजें टोयोटा की गाड़ियों में वो यहाँ पर है, BZ4X। और पीछे आप लोग देखिए यहाँ पर टेल लाइट है, टेल लाइट के साथ जो एक स्लीक ये लाइन दी गई है जो इसके पीछे से लुक को काफी एनहांस करती है। और साथ ही साथ आप देखिए डैशबोर्ड में आपको वो फील नजर आएगी, आप डैशबोर्ड को देखिए कि ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको नेविगेशन होगी, सारी जो कंट्रोल्स होंगे वहां पे मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर जो जैसे AC वेंट्स तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर देखिए कि ड्राइव, पार्क, और उसके साथ ही यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये सारी चीजें देने के लिए यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल दिया गया है, और यहाँ पर भी एक टच पैनल है, और देखिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स भी देंगे, चार्जिंग पॉइंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं इस गाड़ी के रेंज की चीजों के बारे में। आइए, तो गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इस गाड़ी के अंदर इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी रेंज आपको बता दें, इसकी गाड़ी की रेंज है 405 किलोमीटर। अगर आप फ्रंट व्हील ड्राइव करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव की भी है, फ्रंट व्हील ड्राइव की है, तो ये गाड़ी 400 किलोमीटर रेंज है इसकी, यानी 400 किलोमीटर एक बार चार्ज कर दिया आप जा सकते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं?
तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अब बैटरी की कैपेसिटी कितनी है? बैटरी कैपेसिटी इसकी है 7.28 किलोवाट आवर, और आप बता सकते हैं चार्ज होने में मतलब 4 घंटे भी लग सकते हैं और 60 सेकंड में भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन एक तो उसमें सबसे आती है कि एक रेंज अच्छा होना चाहिए, बैटरी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि लुक्स कैसा है। तो इस मामले में BZ4X आपको वो हर चीज दे रहा है जो कोई भी एक अपनी गाड़ी के अंदर चाहता है, जो कि है तो अनकन्वेंशनल लेकिन आपको फील दे एक तरह से कन्वेंशन गाड़ी चलाने के लिए, यानी कि जो हम अभी गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इंडिया में कब लॉन्च होगी उसके लिए इंतजार हम करेंगे। लेकिन टोयोटा ने साफ कर दिया है कि उसने अपनी गाड़ी के फ्लीट में, यानी कि जो उसका जो पूरा का पूरा जो गाड़ी का एक रेंज है, उसमें वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों को एंट्री देता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।